लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलर ईटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस जो इम्यूनिटी में उसमें उसका काम यह है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो किसी भी बैक्टीरिया को इन्गल्फ कर लेंगे उसको ईट कर ले ईट अवे कर लेंगे ताकि वो डैमेज पहुंचा ना सकें जो पैथोजन है या बैक्टीरिया है वो बॉडी को डैमेज ना दे सके

कि सबसे पहले वेजोडाइलेशन हुई ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रोफिल्स ने निकलना था इसीलिए वेजोडाइलेशन हुई कीमोटेक्सिस का प्रोसेस हुआ न्यूट्रोफिल्स उधर अट्रैक्ट हुए उस पॉइंट पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी यहाँ से डायपेडिसिस हुई अब न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल पहुँच गए माइक्रोब्स के पास इंट्रोस्टिशियम में प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल्स अब जब तक न्यूट्रोफिल का कॉन्टैक्ट बैक्टीरिया के साथ नहीं होगा तब तक वो उसको इंगल्फ नहीं कर सकता तो उसका कॉन्टैक्ट लाजमी है कि वो बैक्टीरिया के साथ हो जब कॉन्टैक्ट होगा तो फिर इसके बाद वो उसको इंगल्फ करेगा तो द मेजर ट्रिगर फॉर फेगोसाइटोसिस इंटरक्शन ऑफ फेगोसाइट सरफेस रिसेप्टर विथ कार्बोहाइड्रेट लिपिड इन पैथोजन सेलवॉल अब कॉन्टैक्ट से ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है कि जो हमारे पास है फेगोसाइट वो उसको इंगल्फ कर रहा है कॉन्टेक्ट से हमारे पास जो फेगोसाइट है उसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो ये रिसेप्टर इसके सेल वॉल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट और पैथोजन के साथ बाइंड करेंगे और फिर जब बाइंड कर जाएंगे उसके बाद जो है फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक फेगोसोम बनेगा सो दैट ओनली कॉन्टैक्ट इज़ नॉट ऑलवेज सफिशियंट अब वो कहता है कि सिर्फ कॉन्टैक्ट ही सफिशेंट नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अराउंड कैप्सूल होता है जेलेटनस थिक कैप्सूल होता है और फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पे फैगोसाइड के वो उसके कार्बोहाइड्रेट या लिपिड के साथ बाइंड नहीं कर सकते डिफरेंस रहता है जहाँ पर जेलेटनस एक थिक लेयर प्रजेंट होती है सो so, उस थिक लेयर को डिजोल्व करने के लिए जो बीच में प्रजेंट है वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं ऐसे केमिकल्स जो उसको डिजोल्व करेंगे उसको सॉफन करेंगे पहले जेलेटिनस कैप्सूल को सॉफन करेंगे और फिर बाइंडिंग होगी प्रोटीन्स जो सरफेस प्रोटीन है उसकी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के साथ और फिर एक फेगोसोम बनेगा सो द केमिकल मैसेंजर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी बाइंड फेगोसाइट टू पैथोजन फेगोसाइट ने अब ये जो केमिकल मैसेंजर है ये बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं जो फेगोसाइट को उसके कैप्सूल डिजोल्व करके फिर उसके साथ बाइंड कर रहा है पैथोजन के साथ सो so, इनको हम कहते हैं ऑप्सोनिन ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं दैट विल लीड टू द डिजोल्यूशन ऑफ द कैप्सूल एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू बॉन्डिंग कह सकते हैं या अटैचमेंट कह सकते हैं फेगोसाइड की पैथोजन के साथ अब हमारे पास बाइंडिंग हो गई सेकेंड स्टेप बाइंडिंग के बाद का जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम इंटरनल माइक्रोब कंटेनिंग सैक फेगोसोम जो है इंटरनल माइक्रोब कंटेनिंग सैक है इसका मतलब क्या है हमारे पास एक फेगोसाइट है उसने अब उसको इंगल्फ किया जब उसको इंगल्फ किया तो बीच में हमारे हमारे पास इसके अराउंड एक मेमब्रेन बन गई और जब ये सेल uh, के अंदर प्रेजेंट होगा हमारे पास बैक्टीरिया है या जो पैथोजन है सेल के अंदर प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा उसको हम कह रहे हैं फेगोसोम इंटरनल माइक्रोब कंटेनिंग सैक फेगोसोम एक वो सैक है जो वो मेम्ब्रेन कंटेनिंग सैक है जिसके अंदर हमारे पास पैथोजन पड़ा हुआ है जिसकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम्स के साथ सो फेगोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंडेड द थर्ड स्टेप इज द कम्बिनेशन कंबिनेशन कह सकते हैं या जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं हमारे पास मैक्रो मै में वो फैगोसाइट वो लाइसोसोम्स फ्यूज़ करते हैं अब लाइसोसोम्स में हमने पढ़ा था कि होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्यूज करेंगे अलॉन्ग विद द फेगोसोम फेगोसोम के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है जो पैथोजन so है सो वो एंजाइम्स एंजाइम्स जो हैं लाइजोसोम लाइजोसोम्स के पास एंजाइम्स हैं दोनों सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं एक ही सेल के अंदर दोनों प्रेजेंट है तो फ्यूज़ करेंगे जब फ्यूज़ करेंगे तो एक फेगोलाइसोसोम बन जाएगा जब एक फेजोजा फेगोलाइसोसोम बना उसके अंदर कॉन्टेंट्स क्या हैं एक तो फेगोसोम है जिसके अंदर हमारे पास वा, वा, वो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है पैथोजन पड़ा हुआ साथ लाएजो, लाएजोजोम है साथ हमारे पास लाइजोसो लाइजोसोम है लाइजोसोम ने भी लाइजोजोम के भी कंटेंट्स हैं लाइजोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो हैं अब जब ये फाइगोसोम बन गया तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर पैर पड़े बैक्टीरिया को खा जाएंगे उसको डिसॉल्व कर लेंगे उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेसिक इसमें प्रोसेसिंग कर देते हैं उसकी एज अ रिजल्ट जो है पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा लाइजोजोमल एंजाइम्स ब्रेक माइक्रोज मॉलिक्यूल्स अदर एंजाइम्स प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन डेरेटिव एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो मोलिक्यूल्स अब फेगोलाइसोसोम की बात हुई है कि इसमें जो लाइसोसोमल एंजाइम्स का फंक्शन है वो तो ब्रेक कर रहे हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन डेरेवेटिव अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मोलिक्यूल्स कह सकते हैं केमिकल्स कह सकते हैं जो हमारे पास जो पैथोजन है उसके माइक्रो को ये केमिकल्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक तो लाइजोजोमल uh, एनजाइम्स और दूसरा ऐसे एनजाइम दैट प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्ट रिलेट नहीं है डायरेक्टली एन्जाइम नहीं कर रहा है एनजाइम नाइट्रोक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहा है माइक्रो को ये हमें ऑक्सीजन डेरिवेटिव इसको हम ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स क्यों देख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स आर मोस्टली ऑक्सीडेटिव इन नेचर तो वो ऑक्सीडेशन करके अगले मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो मॉलिक्यूल ऑल्सो अब डिस्ट्रॉय हो गए फेगोसाइट्स ने एक तो इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन इंगल्फिंग के अलावा भी एक मैकेनिज्म है जिससे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं हमारे पास पैथोजन इंट्रा डिस्ट्रक्शन को हम, हम प्रॉपर फेगो फेगोसोम फेगोलाइसोसोम फॉर्म हुआ ये प्रोसेस इंट्रा सेलुलर डिस्ट्रक्शन है सेकंड इज़ रिलीज ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज इंटू एक्स्ट्रा सेलुलर ऐसे फैग्रोसाइड्स जो डायरेक्टली इंगल्फ करके तो नहीं ब्रेक कर रहे हमारे पैथोजन को लेकिन वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोइड में जाएंगे और वो डिस्ट्रॉ अटैच होंगे या वो पैथोजन के पास जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज हैं दैट डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स और इसकी एग्जाम्पल है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड की अभी हमने बात की कि ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो तो एक तो इंट्रा सेलोलर डिस्ट्रक्शन हो गई जो फेगोसोम की बनने से हो गई लेकिन अगर फेगोसाइड केमिकल्स रिलीज कर दे जो इसके माइक्रो को डिस्ट्रॉय कर देगा जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे भी तो डिस्ट्रक्शन हो सकती है इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सकती है सो द रिलीज ऑफ एंटी माइक्रोब इंटू सी एफ फॉर एक्जाम्पल ऑक्साइड डिस्ट्रॉय पैथोजन प्रायर वो डिस्ट्रॉय होंगे उसके माइक्रामी डिस्ट्रॉय होंगे फिर वो इनगल्फिंग हो जाएगी उसकी सो द नाइट्रिकसाइडेड इन टू दी एफ ऑल्सो फंक्शन एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स अब एक बात यह है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की बात हो रही है दैट आर प्रोड्यूसिंग एनफ्लेशन रिस्पॉन्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेजम के थ्रू एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस फेगोसाइड्स इनकाउंटर और फेस द पैथोजन अब पॉजिटिव फीडबैक का फायदा क्या है कि फ़ायदा ये है कि जब uh, हमारे फेगोसाइड डिस्ट्रॉय uh, कर रहा होगा फाइट कर रहा होगा पैथोजन के साथ तो जो और ब्लड में हमारे पास प्रेजेंट हैं uh, फेगोसाइट्स न्यूट्रोफ़िल्स, कोई भी सेल्स uh, जो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं वो भी एक्यूमुलेट होंगे उस इन्फेक्शन साइड पर और वह साथ मिल लड़ेंगे सो द पॉजिटिव फीडबैक कॉजिज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एग्जाम्पल कीमोकाइंस टू बी रिलीज ये जो कीमोकाइंस हैं ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू रिलीज हो रहे हैं और ये और ज्यादा न्यूट्रोफिल्स को एक्मिलेट कर रहे हैं उनके लिए एक कीमो अट्रैक्टिव फैक्टर है सो दीज एट्रैक्ट मोर फेगोसाइड्स इस तरह जो है दो मैकेजम्स के थ्रू हमारे पास इंट्रासेलुलर रिस्टक्शन और रिलीज ऑफ एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स इस तरह हमारे पास फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास अपना फंक्शन अचीव कर रहे हैं जो ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस और द बैक्टीरिया